1 अगस्त 2023 से लागू होंगे 10 नए नियम। बड़े बदलाव आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। राशन कार्ड पर होगा बड़ा बदलाव, इन लोगों को अब नहीं मिलेगा राशन। 40 लाख महिलाओं को फ्री मोबाइल के साथ फ्री इंटरनेट भी मिलेगा, इस राज्य सरकार की बड़ी घोषणा। सभी रेल यात्रियों के लिए 10 मिनट वाला नया नियम लागू होगा। जमीन मकान प्लॉट प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़ा भी एक नया नियम अगस्त से ही लागू होने जा रहा। सभी बैंक खाता वालों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट है। मोबाइल के सिम कार्ड से जुड़ा भी एक नया नियम है, अब लिमिट लागू होगी। दूध एलपीजी गैस सिलेंडर गाड़ियों के रेट सस्ते महंगे को लेकर भी बड़े अपडेट आ रहे हैं। चंद्रयान 3 ने अपनी ऑर्बिट बदल ली है और 1 अगस्त से ही चंद्रयान चांद की तरफ निकल जाएगा, अब मून की ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, 23 अगस्त को सतह पर लैंडिंग करेगा। अच्छा, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन फेस्टिवल का आयोजन होगा, सभी माता पिता के लिए भी सरकार की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश है। तो ये तो कुछ हाईलाइट्स रहे, मैंने आपको एक साथ बता दिए। इन सभी नियमों को विस्तार से देखेंगे अपन आगे इस वीडियो में। चलिए पहला नियम देखिए, पुराने फोन चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। 1 अगस्त से ही काफी स्मार्टफोन के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट बंद हो जाएगा। जी हां, गूगल कंपनी की तरफ से फैसला लिया गया, 10 साल से पुराने स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉइड सपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा। वजह यह कि एंड्रॉइड का जो पुराना वर्जन था किटकैट, उसको साल 2013 में लॉन्च किया था, तो गूगल कंपनी का फैसला किटकैट या इससे बिलो वर्जन वाले जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन है उनके लिए सपोर्ट बंद हो जाएगा और 2013 से 2023 तक यानी 10 साल पुराने मोबाइल फोन पर यह असर पड़ेगा। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, जीएसटी पर सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। 1 अगस्त से ही इन लोगों को भी भरना होगा चालान। 1 अगस्त 2023 से जीएसटी ई चालान की सीमा को सरकार ने घटाकर 5 करोड़ ही कर दिया, यानी कि ऐसी कंपनी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या इससे ज्यादा सालाना हो रहा तो अब उनको ई चालान भरना होगा। पहले ये लिमिट 10 करोड़ थी, इसको घटाकर 5 करोड़ कर दिया 1 अगस्त से ही। अगला अपडेट देखिए, महंगाई का बड़ा झटका, 3 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमतें बढ़ जाएगी 1 अगस्त से। नंदनी डेयरी के दूध की कीमतों में ये बढ़ोतरी होने जा रही है और इसका असर सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य के लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि ये डेयरी का ज्यादातर बिजनेस वहीं पर है। हालांकि सरकार का कहना है कि 1 अगस्त से 3 रुपए प्रति लीटर डेयरी नंदनी का दूध महंगा होगा, इससे किसान भाई लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की जो अमृत कलश स्कीम चलती है ना, उसमें 15 अगस्त तक निवेश कर पाएंगे, ये उसकी लास्ट डेट है। ये एक स्पेशल एफडी स्कीम है दोस्तों, जिसमें सीनियर सिटीजन को 7.6% और अन्य लोगों को भी 7.10% सालाना ब्याज मिलता है। बैंकिंग न्यूज से एक और खबर है, एक्सिस बैंक का एक क्रेडिट कार्ड आता है फ्लिपकार्ट को साझेदारी वाला क्रेडिट कार्ड, उन यूजर्स को झटका लगेगा, 12 अगस्त के बाद डी वैल्यूएशन होने जा रहा है, यानी कि क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक वगैरह में कटौती की जाएगी एक्सिस बैंक की तरफ से। अब मंत्रा वगैरह पर शॉपिंग करने पर आपको 5% कैशबैक नहीं मिलेगा, बल्कि उसको घटाकर 1.5% ही कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए अगर आप पेमेंट करोगे तो इस क्रेडिट कार्ड से आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। कुछ और डिटेल्स देख सकते हैं आप इसके बारे में स्क्रीन पर। एचडीएफसी बैंक भी स्विगी के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किए हैं, जिसमें आपको स्विगी पर खर्च करने पर 10% कैशबैक मिलेगा। कार्ड धारकों को अगले 3 महीने तक ये ऑफर मिलेगा, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मोबाइल सिम कार्ड को लेकर अब एक आईडी पर 9 सिम कार्ड नहीं मिलेंगे, बल्कि सरकार लिमिट लगाने जा रही है। देश में फर्जी सिम कार्ड की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए सरकार ने फैसला लिया कि एक आईडी कार्ड पर मैक्सिमम 4 सिम कार्ड की ही मंजूरी दी जाएगी। हालांकि अभी तक इसकी गाइडलाइंस बनाई गई है, ये नियम कंफर्म लागू हुआ नहीं है, लेकिन सरकार इस नियम को लागू करने पर भी विचार कर रही है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, सरकारी शिक्षकों को 1 अगस्त से दर्ज करानी होगी ऑनलाइन उपस्थिति। मोबाइल ऐप के जरिए अटेंडेंस दर्ज करानी होगी सरकारी स्कूल के टीचर्स को। बिहार सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन तनख्वाह वगैरह पर भी अपडेट आना, देखिए अब खाते में आएंगे 11,000 रुपए। ये फैसला लिया स्वतंत्रता सेनानी कल्याण विभाग के द्वारा, बजट को मंजूरी दे दी गई है और 1 अगस्त से ही खाते में 11,000 रुपए पेंशन आएगी, पंजाब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, 1 अगस्त से बंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे पर ऑटो बाइक चलाने पर बैन लग जाएगा। सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल ही इस एक्सप्रेस वे पर चल पाएंगे। वाहनों की अधिकतम गति सीमा पर भी बदलाव किया गया, देख सकते हैं आप, ये एक तरह का ई वे है और अब ऑटो या दोपहिया वाहन 1 अगस्त से बंगलुरु मैसूर ई वे का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ट्रैक्टर गैर मोटर चालित वाहनों को भी अनुमति नहीं मिलेगी। अच्छा, कुछ नई लॉन्चिंग के अपडेट देखिए आप, 1 अगस्त को Xiaomi कंपनी बाजार में अपना सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है, Redmi 12 है। इसमें आपको 12GB रैम 50MP कैमरा मिलेगा, 5G स्मार्टफोन है ये और इसका बैक लुक भी कुछ आईफोन की तरह दिख रहा है, देख सकते हैं आप। दिशा पटाने के द्वारा इसका एड भी कराया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा मोटोरोला कंपनी भी मोटो G14 लॉन्च करने जा रही है, इसके भी कुछ कलर फीचर्स वगैरह देख सकते हैं आप। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, 40 लाख महिलाओं को अगस्त में मिलेगा फ्री मोबाइल। 10 अगस्त से ही ये कैंपेन शुरू होने जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से ये नई योजना शुरू की गई है और बड़ी घोषणा भी कर दी गई है। अगस्त से ही इस स्कीम का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा राजस्थान की महिलाओं को, माताओं बहनों को। और ना सिर्फ फ्री मोबाइल मिलेगा बल्कि 9 महीने तक का डेटा इंटरनेट रिचार्ज वगैरह भी सरकार करवा कर देगी। और यहाँ तक कि ये भी छूट दिए कि अगर आपको कोई मोबाइल पसंद आ रहा है तो आप बाजार से भी खरीद सकते हैं। उसके बाद महिलाओं के खातों में राजस्थान सरकार 6,000 रुपए मतलब ट्रांसफर कर देगी मोबाइल के लिए। अच्छा, ये स्मार्टफोन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे राजस्थान में, जैसे जन आधार कार्ड, मुखिया का राशन कार्ड, आधार कार्ड, चिरंजीवी योजना कार्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा भी राजस्थान सरकार एक और योजना शुरू करने जा रही है, देखिए 15 अगस्त से लागू होगी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। राजस्थान में तकरीबन 1.5 करोड़ परिवारों को निःशुल्क फूड पैकेट का वितरण किया जाएगा इस योजना के तहत। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान सरकार इस योजना को शुरू करेगी। इस योजना पर हर महीने 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 3 लाख से ज्यादा परिवारों को राज्य में इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा। इस राशन किट में सरसों का तेल, चीनी, नमक, मसाले वगैरह ये शामिल होंगे। एक किट पर राज्य सरकार का कहना है कि 367 रुपए खर्च आएगा, जो सरकार खुद वहन करेगी। अगस्त से ही राजस्थान सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए इस तरह के फूड पैकेट वितरण शुरू कर देगी, जो बीपीएल के
कैटेगरी में आते हैं उनके लिए। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। 1 अगस्त से सभी बिल्डरों को विज्ञापन में छापना होगा QR कोड, अन्यथा 50,000 रुपए का दंड यानी कि जुर्माना भी लगाया जाएगा। महारेरा की तरफ से यह आदेश जारी किया गया, यानी कि महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनके लिए यह नियम लागू हो चुका है। उनका कोई प्रोजेक्ट का विज्ञापन होगा या प्रमोशन बैनर होगा उस पर QR कोड लगाना अनिवार्य होगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी फैसला लिया है। 1 अगस्त से राज्य में फिर से डॉक्टरों की हड़ताल शुरू होगी। डॉक्टरों की कुछ मांगे हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार पूरी नहीं कर रही है और इसी के लिए हड़ताल का फैसला लिया गया। काली पट्टी बांधकर 1 सप्ताह तक विरोध किया जाएगा, उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो फिर हड़ताल की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को इस संबंध में लेटर भी लिखा गया, देख सकते हैं आप। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। शिक्षा विभाग 1 अगस्त से सरकारी स्कूलों को वित्तीय सहायता शुरू करेगा सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए। तमिलनाडु राज्य सरकार की तरफ से बजट जारी किया जाएगा अगस्त से ही। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक और नई पहल देखिए आप। 1 से 13 अगस्त के बीच अभियान चलाया जाएगा जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन फेस्टिवल का आयोजन होगा। छोटे छोटे बच्चे बच्चों का वजन चेक किया जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सभी तहसील और जिला लेवल पर अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में पोषण का स्तर जानने के लिए ये वजन त्योहार का आयोजन होगा। मतलब कोई बच्चे कुपोषण का शिकार तो नहीं है, बच्चों की उम्र के हिसाब से उनका वेट कितना है ये जांचा जाएगा। अगस्त महीने में यह अभियान चलेगा। आप भी अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर बच्चे बच्चों का वेट जरूर करवाएं। अच्छा, केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार का भी एक प्लान देखिए आप। अब डॉक्टरों की तरह इलाज में सक्षम होगी आशा कार्यकर्ता। जो आंगनबाड़ियों में आशा कार्यकर्ता होती है ना, उनको भी ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण दिया जाएगा सरकार की तरफ से, ताकि गांव में छोटे मोटे इलाज के लिए दवाई गोलियां वो भी सजेस्ट कर सके, जिससे सर्दी खांसी जुकाम बुखार डायरिया मौसम संबंधित बीमारियां हो गई इनके उपचार और दवाओं की जानकारी सामान्य लोगों को दी जा सके। इसीलिए मतलब गांव-गांव में आशा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये भी नया अभियान शुरू करने जा रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, दिल्ली के हर आदमी को डेली 20 लीटर RO का पानी देगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये प्लान बनाया और इसके लिए दिल्ली सरकार झुग्गी बस्तियों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पानी के 500 ATM भी बनाएगी। उन ATM के जरिए प्रतिदिन हर व्यक्ति को 20 लीटर RO का पानी मिलेगा। ये नया अभियान अगस्त से ही राजधानी दिल्ली में शुरू होने जा रहा। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, दिल्ली की जनता को एक और तोहफा मिलने जा रहा, पानी के बढ़े हुए बिल से भी राहत मिलेगी। वो ऐसे देखिए आप, 1 अगस्त से OTS योजना लागू होने जा रही है। OTS का मतलब होता है वन टाइम सेटलमेंट, यानी एकमुश्त योजना शुरू हो रही है। अगर आपका काफी समय से पानी का बिजली बिल बकाया है तो इस योजना के तहत आप एकमुश्त जमा करा सकते हैं। ये 1 अगस्त से शुरू होगी योजना जो 3 महीने तक चलेगी। दिल्ली में 11 लाख से ज्यादा लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। ठीक है, मतलब इसमें आपसे बकाया बिजली बिल का मतलब पानी के बिल का ब्याज वगैरह नहीं लिया जाएगा। एकमुश्त जमा कराओगे तो आपको इसमें काफी छूट मिल जाएगी। चलिए, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि 15 अगस्त तक अगर आपने अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये सख्त चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर आपको राशन योजना का फायदा लेना जारी रखना है तब तो आपको अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना ही होगा। अच्छा, बिहार सरकार का एक और बड़ा फैसला। अब दिव्यांग की श्रेणी में आएंगे हाथी पांव वाले मरीज भी। 10 अगस्त से बिहार राज्य में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए अभियान शुरू होगा और इस रोग से ग्रसित लोगों को भी दिव्यांग की कैटेगरी में गिना जाएगा, ताकि जो दिव्यांगों के लिए जो भी योजनाएं चल रही है ना उन सबका फायदा ऐसे लोगों को भी मिल पाएगा। ओडिशा राज्य में 9 अगस्त से शुरू होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। 14 जुलाई से इसके नामांकन ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, लेकिन चुनाव 9 तारीख को होंगे अगस्त में। ठीक है ना। और अगला अपडेट देखिए आप, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 2 अगस्त से फिर से तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो रही है। 29 ट्रेनों के जरिए फ्री तीर्थ यात्रा करवाएगी मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार बुजुर्गों को। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी महिला मोर्चा ने तय किए 3 महीने के प्रोग्राम। 1 और 2 अगस्त को राष्ट्रीय पदाधिकारी MP के सभी जिलों का दौरा करेंगे, महिला हितग्राहियों से संपर्क भी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा MP में जो लाडली बहना योजना चलती है शिवराज सिंह चौहान सरकार के द्वारा चलाई जाती है, इसमें आवेदन 25 तारीख से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 20 अगस्त ही है। ठीक है ना, अगस्त को लेकर अपडेट ही है। 20 तारीख से पहले पहले अगर आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं तो इस योजना के लिए फॉर्म भर दें। इस योजना में 21 से 60 साल तक की महिलाएं अब आवेदन कर पाएंगी और महिलाओं को हर महीने 1200 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगला अपडेट आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में HPTDC के होटलों में 2 अगस्त से उपलब्ध होगी हिमाचली धाम भी। स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी गई है। हिमाचल के इस तरह के सभी होटलों में आपको मतलब 2 अगस्त से यह नई सुविधा मिलेगी। बड़ी खबर है, 15 अगस्त से पहले होगी 9000 शिक्षकों की भर्ती। छत्तीसगढ़ में मंत्री रविंद्र चौबे की तरफ से यह बड़ा बयान जारी किया गया। अच्छा, रेलवे का एक नया नियम देखिए आप। ट्रेन चलने के 10 मिनट बाद तक अगर आप सीट पर नहीं पहुंचते हो तो आपकी टिकट कैंसिल कर दी जाएगी। यानी कि आपकी जो रेलवे में रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट, उस पर अगर आप देरी से पहुंचते हो तो TTE आपकी सीट को दूसरों को अलॉट कर देगा। 10 मिनट तक का टाइम मिलेगा आपको बोर्डिंग स्टेशन से। 10 मिनट बाद भी अगर आप सीट पर नहीं मिलते हो तो टिकट कैंसिल कर दी जाएगी। पहले तो क्या कि एक स्टेशन पर नहीं आपने ट्रेन पकड़ में आए थे, अपन दूसरे स्टेशन से भी बैठ जाते थे, लेकिन रेलवे की तरफ से अब नियम बदल दिया गया। अब जिस स्टेशन से आपने टिकट बुक करवाई है उसी स्टेशन पर आपको ट्रेन में चढ़ना होता है। 10 मिनट बाद तो आपकी वो सीट दूसरों को अलॉट कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 9 अगस्त से शुरू होगा मेरा माटी मेरा देश अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील, हर प्रदेशवासी इसकी सहभागिता का हिस्सा बने। इस अभियान के तहत हर विकास खंड का एक एक अमृत कलश तैयार किया जाएगा और इस कलश में हर गांव हर शहर की मिट्टी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस अभियान की शुरुआत तैयारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अच्छा, राजस्थान में जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको लेकर अपडेट है कि 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को ही 1 अगस्त से इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद इसका फिर अगला चरण शुरू होगा, तब आप अप्लाई करवाएंगे। अच्छा, 1 अगस्त को फिर से मध्य प्रदेश का दौरा भी करेंगे
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पेट्रोकेमिकल हब का भूमि पूजन करेंगे और कई करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। राजधानी दिल्ली में लद्दाख की लड़कियों को पोलो खेल की कोचिंग देंगे राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड। 1 अगस्त से ये भी ट्रेनिंग शुरू होगी। अच्छा, हरियाणा में देखिए सिलाई कढ़ाई फल व सब्जी पौध तैयार करने के प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण 1 से 30 अगस्त तक होंगे। इस अभियान के तहत रोजगार के लिए महिलाओं लड़कियों को लड़कों को ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान में 1 अगस्त से 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे नर्सिंग कर्मी। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से 11 सूत्री मांगों को लेकर धरने की चेतावनी दी गई है। IIT रुड़की में 1 अगस्त से नई शिक्षा नीति पर आधारित पाठ्यक्रम लागू हो जाएगा। 28 जुलाई को इसका दीक्षांत समारोह भी होगा। हरियाणा में शारीरिक मेडिकल परीक्षा 1 अगस्त से शुरू होगी। 4 जिलों में बनाए गए 5 केंद्रों का प्रोजेक्शन। अच्छा, बिहार में भी देखिए शिक्षा विभाग में बाबूगिरी खत्म होगी। ई ऑफिस का शुरू होगा कल्चर। पेपरलेस बनाए जाएंगे ऑफिस को। सरकारी दफ्तरों में कागजी प्रक्रिया को कम किया जाएगा। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से अपडेट है। 1 अगस्त को टोयोटा की नई दमदार SUV लॉन्च हो रही है। लैंड क्रूजर प्राडो ग्लोबल लॉन्च करने जा रही कंपनी। अच्छा, मकान प्लॉट जमीन वगैरह की रजिस्ट्री को लेकर एक नया नियम देखिए। झारखंड राज्य में रजिस्ट्री दफ्तर में लोगों का हुजूम लग रहा है, मतलब भीड़ लग रही है, क्योंकि 1 अगस्त से रेटें बढ़ने वाली हैं और इसलिए लोग बाग जुलाई महीने में ज्यादा ज्यादा जमीन मकान के खरीद बेच कर रहे हैं। 1 अगस्त से महंगे हो जाएंगे मकान जमीन प्लॉट प्रॉपर्टी वगैरह की रजिस्ट्री। बताया जा रहा है कि वर्तमान दर से 10 से 20% तक रजिस्ट्री के रेट बढ़ जाएंगे। हालांकि फिलहाल ये झारखंड के धनबाद जिले में रेटें बढ़ने जा रही है, लेकिन सरकार धीरे धीरे रजिस्ट्री विभाग द्वारा दूसरे जिलों में भी बढ़ोतरी लागू की जाएगी अगस्त महीने से ही। ठीक है, और बैंक हॉलीडे को लेकर अपडेट है दोस्तों। अगस्त में 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, छुट्टियां रहेगी। 4 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार। इसके अलावा आपको बताऊंगा त्योहार भी आएंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।